हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया तो लगभग आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की किस वैल्यू के लिए द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन दे रखा है एक्स लेस देन सी के लिए फंक्शन रहेगा एक्स स्क्वायर, लेस एंड इक्वल टू सी के लिए एक्स स्क्वायर और एक्स ग्रेटर देन सी के लिए फंक्शन रहेगा ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट कहता है ये फंक्शन डिफरेंशियबल है किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू सी, तो ये सी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशियबल दे रखा है, तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंशियबल कब रहेगा कोई फंक्शन, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल किसके आएगा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सोल्व करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव सोल्व करेंगे, देखना कैसे सोल्व कर रहे हैं, फिर उन दोनों को इक्वल रखेंगे, इक्वेशन बनेगी। फिर वहां से अगर सोल्व नहीं हो रहा कंप्लीट, तो अगर मैंने बताया था कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूस भी रहेगा, तो दूसरी कंडीशन हम कंटिन्यूस लगाएंगे वहां से सोल्व करेंगे। तो पहले इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, सोल्व करते हैं, दोनों को इक्वल रखते हैं। तो सबसे पहले सोल्व करेंगे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या करते हैं, हम लिमिट एक्स किसको टेंड करता था अपना, जो पॉइंट गिवन है वहां पर, तो पॉइंट वहां ए लेकर के मैंने बताया था फॉर्मूला, यहाँ पर पॉइंट सी है तो क्या आएगा सी लेफ्ट है तो सी माइनस एच। फॉर्मूला क्या होता था अपना डेरिवेटिव का, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। नेक्स्ट ये लिमिट मैं यहाँ अप्लाई करूंगा तो लिमिट एच किसको टेंड करेगा अपना जीरो को, और एक्स की जगह सी माइनस एच, तो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, नहीं ए नहीं सॉरी, यहाँ सी पर चेक करें तो सी लेंगे हम सी, और यहां पर भी क्या लेने वाले हैं सी, तो एफ ऑफ सी अपॉन एक्स की जगह क्या राइट करेंगे सी माइनस एच और माइनस का सी, यहां से सी से सी क्या हो गया कैंसिल। अब हमें एफ ऑफ सी माइनस एच की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो ये फंक्शन कौन सा लेंगे उसमें से देखने वाले हैं। तो लेस लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेस वाला लेंगे, तो एक्स लेस देन सी ये वाला फंक्शन लेंगे। तो उस फंक्शन में अगर मैं एक्स की जगह, फंक्शन अपना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स की जगह क्या राइट करना है सी माइनस एच, तो क्या आ जाएगा सी माइनस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ राइट करते हैं लिमिट एच किसको टेंड करेगा अपना जीरो को, तो वहां राइट क्या तो सी माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ सी, एक्स की जगह सी राइट करेंगे तो फंक्शन क्या बनेगा सी स्क्वायर अपॉन माइनस का एच। यहां पर अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहा हूं तो नीचे एच जीरो जीरो समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइन, तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्या आएगा लिमिट एच टेंड करेगा अपना जीरो को, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म माइनस का सी स्क्वायर है और अपॉन माइनस का एच रहेगा। यहाँ पर यहाँ सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, अब ऊपर से एच कॉमन आ रहा है तो क्या बनेगा अपना लिमिट एच टेंड्स टू अपना जीरो हो जाएगा, और ऊपर एच कॉमन आने के बाद बचेगा अपना एच माइनस टू सी अपॉन माइनस का एच, तो यहां से एच से एच क्या हो गया अपना कैंसिल आउट। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये जीरो बन गया, तो क्या अपना ऊपर माइनस का टू सी है और नीचे क्या आएगा अपना माइनस वन बचा हुआ है, तो वन से वन कैंसिल, यहां से टू सी के इक्वल आ गया अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया। ऐसे हम राइट हैंड डेरिवेटिव सोल्व करने वाले हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करेंगे सेम ऐसे रहने वाले अपना लिमिट एक्स किसको टेंड करवाएंगे सी पर है तो सी प्लस एच, राइट में प्लस का साइन आता अपना प्लस एच, फंक्शन क्या रहेगा अपना एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, नहीं किस पर चेक कर रहे हैं सी पर चेक करें तो एफ ऑफ सी माइनस एक्स माइनस सी। नेक्स्ट ये लिमिट यहां अप्लाई करेंगे तो लिमिट किसको टेंड करेगी एच टेंड करेगा अपना जीरो को, तो एफ ऑफ एक्स की जगह सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी और इस एक्स की जगह भी सी प्लस एच माइनस सी, सी से सी क्या हो जाएगा अपना कैंसिल आउट। तो यहां पर इस ये फंक्शन कौन सा लेंगे देखते हैं, अभी राइट हैंड डेरिवेटिव है तो ग्रेटर वाला फंक्शन लेंगे हम एक्स ग्रेटर देन सी, फंक्शन क्या रहेगा ए एक्स प्लस बी, तो सोल्व किसको करना है एफ ऑफ सी प्लस एच, तो एक्स की जगह सी प्लस एच राइट करेंगे तो क्या आएगा ए इंटू सी प्लस एच प्लस बी, तो लिमिट एच टेंड्स टू अपना जीरो तो क्या आएगा इसकी जगह अपना ए इंटू सी प्लस एच प्लस बी, और यहां पर ये तो हो गया अपना एफ ऑफ सी प्लस एच की वैल्यू माइनस एफ ऑफ सी, तो यहाँ सी राइट करेंगे तो फंक्शन क्या बनेगा अपना ए सी प्लस बी अपॉन अपना क्या बचने वाला है एच, यहां से एच की जगह जीरो रखें तो फिर नो डिफाइन, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले, तो लिमिट एच किसको टेंड कर रहा है अपना जीरो को, ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए सी प्लस ए एच प्लस बी माइनस ए सी माइनस बी अपॉन क्या रहने वाला अपना एच, यहाँ बी से बी और ए सी से ए सी कैंसिल, अब यहां से ए एच बचा तो लिमिट क्या बची अपनी लिमिट एच टेंड्स टू अपना जीरो ए एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो गया क्या आंसर आ गया ए।
तो यहां पर अपना फंक्शन डेरिवेबल था, तो क्या लेंगे हम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू इसके आएगा अपना राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपना 2c के इक्वल आया और राइट हैंड डेरिवेटिव अपना a के इक्वल आया, तो यहां से a की वैल्यू तो 2c आ गई, ये तो सॉल्व हो गया। b की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कंटिन्यूटी का और यूज कर लेंगे, क्योंकि फंक्शन अपना डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस भी रहेगा। कंटिन्यूटी में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रखने वाले, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस कब रहेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व करता हूं, जो हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं सोल्व। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते थे हम, लिमिट किस पर चेक करना है, एक्स टेंड्स टू सी पर करना है, तो सी माइनस एच हम डायरेक्ट फंक्शन रखते हैं, इसमें फंक्शन क्या रहेगा, लेस वाला रहेगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट किसके इक्वल आ गई अपनी, जैसे ये x की वैल्यू हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले लिमिट को, तो h पर फंक्शन बनेगा, तो h जीरो को टेंड कर रहा है अपना, तो c माइनस h का होल स्क्वायर हम डायरेक्ट लिमिट यहाँ अप्लाई करेंगे, क्योंकि नॉट डिफाइंड बन ही नहीं रहा, तो h की जगह मैंने जीरो रखा, तो आंसर अपना c स्क्वायर आ गया। यहाँ से ये अपने लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट और सोल्व कर रहे हैं हम। राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा अपना, वही लिमिट x टेंड्स टू किसको, c पर कर रहे हैं, तो c प्लस h, फंक्शन कौन सा रहेगा अपना राइट के लिए, राइट के लिए फंक्शन ग्रेटर वाला रहेगा, क्या रहेगा, ए एक्स प्लस बी। तो हम यहाँ लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो लिमिट एच किसको टेंड करेगा यहाँ पर, जीरो को, और एक्स की जगह क्या राइट कर दूंगा मैं, ए इंटू सी प्लस एच प्लस बी। नेक्स्ट लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, एच की जगह हम जीरो राइट करेंगे, तो क्या आएगा अपना, ए सी प्लस बी। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी, ये मैंने राइट हैंड लिमिट, अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो कंटिन्यूस भी रहेगा, कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू किसके रखेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो किसके इक्वल आ गया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस बी। अब a की वैल्यू हमारी 2c आई, तो हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं, और क्या आएगा देखते हैं, यहाँ पर बनेगा अपना सी स्क्वायर इक्वल टू a की जगह क्या राइट किया, 2c, एक सी ए रहा अपना पहले ही प्लस बी, तो यहाँ हो गया सी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस बी। 2c स्क्वायर के इधर लेके आएंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का सी स्क्वायर। तो हमने सोल्व करके a की और b की वैल्यू फाइंड आउट की, a अपना 2c आया और b अपना माइनस का सी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपका कंटिन्यूटी भी हो गई और डिफरेंशिएबिलिटी भी, दोनों सोल्व करके दिखा दी। इसको अच्छे से समझना, किस टाइप से आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं और किस टाइप से आप डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं, और यही दो टॉपिक आपके कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, दोनों टॉपिक मैंने आपको क्लियर करवा दिए। अब जो एक्सरसाइज में जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप सोल्व करके इनको प्रैक्टिस करेंगे। ओके।